काफ़ी प्रोग्रेस कर ली अभी तक आपने एंड यू शुड बी प्राउड ऑफ योर आप लोगों ने एक एक चीज को छोटी छोटी चीज को बड़ी डिटेल में समझाया एंड दोज हु प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस आर द पीपल हु बिकम सक्सेसफुल सो गिव योर सेल्फ अ पैट ऑन द बैक बिकॉज यू हैव लर्न द आर्ट ऑफ यूजिंग वर्ड प्रेस बट देर इज मोर टू लर्न बहुत सारी और चीज़ें जो हम आपको आहिस्ता 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 प्रोग्रेस कराते हुए साथ साथ सिखाएंगे कुछ चीज़ें इनमें से ऐसी हैं जो शायद आपको थोड़ी रेपिटेटिव लगें लेकिन हम चाह रहे हैं कि आप एक डीप लर्निंग मोड में जाके उन्हें सीखें so सो अगर आपने एक दफ़ा पहले उस चीज़ को ट्राई कर भी लिया है वी वॉन्ट यू टू ट्राई दोज थिंग्स अगेन द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव फॉर यू पीपल एज यू कैन आइर बिकम एन ऑनटरप्रोर ऑन वर्डप्रेस, यू कैन आइर बिकम अ फ्रीलांसर और यू कैन बिकम अ स्मार्ट वर्कर ऑन्टरप्र्योर कौन होता है ऑन्टरप्रोर इज समवन हु इज सॉल्विंग अ प्रॉब्लम अगर आप अपने किसी कस्टमर के लिए एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं यूजिंग वर्डप्रेस, प्रेस देन यू आर एन ऑनटरप्र्योर फ्री कौन होता है जो अपनी सर्विसेज को टाइम uh, के लिहाज से पेमेंट लेके उसकी रिनूमेशन प्रोवाइड करता है दैट्स अ फ्री आंसर सो यू कैन ऑल्सो बिकम अ फ्री आंसर विद प्रेस एंड द स्मार्ट वर्क कैटेगरी इज़ फॉर ऑल ऑफ दोज आउट देर जो कि एक जॉब करना चाह रहे हैं आफ्टर लर्निंग दिस कोर्स इन सॉफ्टवेयर हाउस या किसी भी ऐसी कंपनी में जिधर वो अपनी वर्ड प्रेस स्किल्स को सही तरह से यूटिलाइज कर सकें या उसका सही मानों में बेनिफिट दिखा सकें दोज आर द स्मार्ट वर्कर्स सो so, आज हम आपको बताना चाह रहे हैं मेन्यूज़ के बारे में वट आर मेन्यूज एंड हाउ मेन्यूज़ रियली वर्क सो ये मेन्यू क्या है आप लोगों ने सुना होगा जब आप लोग कभी जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर करने के यार मेन्यू तो ला दो सो दैट्स वेर यू हियर द वर्ड मेन्यू मेन्यू क्या होता है मेन्यू जिस जिस तरह आप खाना ऑर्डर करते हैं या खाने का मेन्यू मंगवाते हैं वैसे आपके पास उस मेन्यू में एक लिस्ट होती है कि मैं ये ये चीज़ ऑर्डर करना चाहता हूँ या मैं ये ये चीज़ देखना चाहता हूँ इसी तरह मेन्यूज ऑन वेबसाइट्स आर बेसिकली लिंक्स दे आर स्मॉल पीसीज ऑफ लिंक्स और यू कैन कॉल दम ए स्मॉल पीसिस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट हेल्प यू स्ट्रक्चर दैट वेबसाइट बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपका खाने का एक मेन्यू होता है तो वो बड़ा स्ट्रक्चर्ड होता है आपको पता होता है कि इस कैटेगरीज बनी होती हैं आपको नज़र आ रहा होता है कि इस मेन्यू में क्या क्या और चीज़ें ऑफर हो रही हैं इसी तरह यू कैन यूज़ मेन्यूज़ टू ऑर्गेनाइज कॉन्टेंट एंड लिंक्स ऑन योर वर्ड प्रेस वेबसाइट और ये मेन्यूज़ आपको कहाँ नजर आते हैं Menus are usually the first thing that you see when you open a WordPress website. The menu links are on the top. आपको टॉप पे वो मेन्यू लिंक नजर आएंगे अगर आपकी थीम कस्टम मेन्यू को सपोर्ट करती है तो आप मॉडिफाई कर सकेंगे अपने मेन्यू को यूजिंग द मेन्यू ऑप्शन सो मोस्ट ऑफ द थीम एज आई टोल्ड यू कि वर्डप्रेस पे देर आर हंड्रेड्स एंड मिलियन ऑफ थीम्स आउट देर हर थीम किसी ना किसी तरह अलाउ करती है आपको कि आप उसमें किसी तरह का मेन्यू डाल सकें सो एज आई सेड बिफोर कि अगर आपकी थीम कस्टम मेन्यू को सपोर्ट करती है तो यू विल बी एबल टू मेक मॉडिफिकेशंस टू द मेन्यू ऑप्शंस। और क्या करते हैं मेन्यू व्हाट एल्स कैन मेन्यूज डू फॉर यू मेन्यूज में लिंक्स होते हैं जिस तरह मैंने आपको बताया सो दोज लिंक्स कैन बी टू पेजेस दोज लिंक्स कैन बी टू पोस्ट दोन बी कैटेगरीज दोजी टू कस्टम लिंक्स और एनी अदर टाइप ऑफ कॉन्टेंट आप पे ये डिफाइन करता है कि आपने कौन से लिंक्स अपने मेन्यू में डालने हैं इट्स हेप टू यू टू डिसाइड इट्स हेप टू यू टू डिफाइन किस तरह के मेन्यूज आप अपनी वेबसाइट पे डालना चाह रहे हैं और उनकी क्या सिग्निफिकेंस है आई वुड लाइक टू गिव यू अभी इसके बाद जब मैं आपको एक लाइव लेके जाऊंगा तो मैं आपको एक लाइव फॉर्म में दिखाऊंगा कि वेबसाइट्स लाइक मैंगोबाज डॉट कॉम खान मीटर डॉट कॉम साथ ही साथ अगर आप कोई और वेबसाइट्स देख लें लाइक डब्ल्यू सी सी एफ टेक प्रो पाकिस्तानी टेक डॉट पी के इनमें से कुछ साइट्स कैसे मेन्यूज़ को यूटिलाइज कर रही हैं बिकॉज द पर्पज़ ऑफ दिस लेसन इज़ फॉर यू टू लर्न हाउ यू कैन अपडेट मेन्यूज तो जिस तरह के मैंने आपको बताया मेन्यूज कैन कंटेन लिंक्स टू पेज पोस्ट कैटेगरीज दे कैन ऑल्सो कंटेन लिंक्स टू कस्टम आपके जो लिंक्स हैं और इसी तरह आप किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ को लिंक करना चाह रहे हैं और उसको दिखाना चाह रहे हैं विजिबल करना चाह रहे हैं तो वो मेन्यू होगी मेन्यूज क्यों जरूरी हैं मैंने आपको पहले बताया मेन्यूज आर द फर्स्ट थिंग दैट पीपल सी व्हेन दे ओपन योर वेबसाइट एंड दे आर अ वे टू कैटेगराइज कंटेंट इसीलिए मेन्यूज़ को स्टडी uh, करना या उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है सो एडिंग अ मेन्यू वी विल गेट टू दैट बट अ लिटिल बिट एल्स जो आपको मेन्यूज के बारे में जानना है इसके समटाइम्स यू मे हैव मल्टीपल मेन्यूज आपके हेडर में अदर टाइम्स यू मे हैव मेन्यूज़ विच आर लोकेटेड इन साइड बार और फुटर वर्ड प्रेस से आपको ये ऑप्शन मिलेगी कि आप पे आप पे ये डिफाइन करेगा कि आपने किस तरह का मेन्यू रखना है क्यों रखना है टू एड अ मेन्यू यू विल होवर ओवर यूर कर्सर इन दीरेंस मेन्यू एंड वहाँ से आप जाके एक नया मेन्यू एड कर सकते हैं वी विल टॉक मोर अबाउट दिस बिकॉज राइट नाउ वी जस्ट वॉन्ट टू गिव यू सेंस ऑफ वट मेन्यूज आर सो इस तरह की जो आपको एक स्क्रीन नजर आएगी

अपने इनके दो मेन्यूज़ है सो यूजली दर इज ऑल्सो कॉन्सेप्ट ऑफ अ प्राइमरी मेन्यू एंड अ सेकेंडरी मेन्यू इनका जो प्राइमरी मेन्यू है जो इनके लोगों के साथ है दैट शोज द कैटेगरीज दैट दे हैव फ्रॉम टेक एंड टेलीकॉम बिजनेस ऑटो स्पोर्ट्स लाइफ अदर्स साथ साथ इनका एक सेकेंडरी मेन्यू भी है सेकेंडरी मेन्यू इज द वन ऑन द टॉप इसको सेकेंडरी इसलिए कहा जाता है बिकॉज दिस इज सेकेंड

और इसी तरह के बाकी कॉन्टेक्ट पेज है सो पेजेस एंड कैटेगरीज दीज मेन्यूज टुगेदर इसी तरह में एक साइट है टेक जूस उसकी भी एग्जाम्पल आपको दिखाना चाहूंगा टेक जूस डॉट पीके पे भी आप देख सकते हैं कि देर आर मेन्यूज ऑन द टॉप टॉपिक्स हैं मोबाइल प्राइसेज हैं इन्होंने भी एक अपना प्राइमरी मेन्यू सिर्फ एक ही रखा हुआ है स्पेशल फीचर्स हैं सो दीज आर सम ऑफ़ द मेन्यूज़ जो डिफरेंट साइट्स पर हमारी साइट पर भी इसी तरह एक मेन्यू है तो जब मैं खोलता हूँ डी जी स्किल्स साध हामिद डॉट जीरो जीरो ज़ीरो वेब होस्ट ऐप डॉट कॉम तो आई कैन सी मेरे मेन्यू में होम नज़र आ रहा है अबाउट नज़र आ रहा है और कॉन्टेक्टस पेज नज़र आ रहा है इसका भी एक बेसिक सा मेन्यू है बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ कि मेन्यू अपडेट कहाँ से होता है सो विल गो टू द डैशबोर्ड एंड डैश बोर्ड में जाके

To edit and update menus, and such how you can add something called mega menus.